इंटरफेस क्या है कि दो इंटरफेस का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए यहाँ पे ए और बी दोनों के बीच में ये इंटरफेस का काम कर रहा है ना। तो इंटरफेस इन जावा इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ क्लास, इट हैज स्टेटिक कॉन्स्टेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स। क्लास का एक ब्लू प्रिंट होता है इंटरफेस, और इसमें क्या है स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, और कह सकते हैं एक मैकेनिज्म है हमारा इंटरफेस, एक मैकेनिज्म है जिससे एब्स्ट्रैक्शन को हम अचीव कर सकते हैं। देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा इंटरफेस, नॉट मेथड बॉडी। ठीक है, तो जावा में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं सिर्फ, बट मेथड की बॉडी नहीं हो सकती। इट इज यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। तो इंटरफेस के थ्रू हम दो चीजों को अचीव कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन और मल्टीपल इनहेरिटेंस। दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं इंटरफेस कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड वेरिएबल्स, इट कैन नॉट हैव मेथड बॉडी। अब रिलेशनशिप की बात है, जैसे हमारा एक इनहेरिटेंस था, इज अ रिलेशनशिप शो करता है, वैसे ये रिप्रेजेंट करता है इज अ रिलेशनशिप को। इंटरफेस को हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जैसा। और जावा 8 वर्जन की बात करें तो जावा 8 में डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड इंटरफेस में हो सकते हैं। ठीक है, अगर जावा वर्जन 9 है उसमें हम प्राइवेट मेथड यूज कर सकते हैं इंटरफेस में। अभी जावा वर्जन कौन सा यूज हो रहा है? हम तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो पुराना 8.9 बहुत पुराना है सर, 2021 है अभी यूज हो रहा है। अब जावा, ये जावा में इंटरफेस क्यों यूज करें? तीन चीजें अभी ऑलरेडी क्लियर हो गई, टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, और दूसरा क्या था, टू अचीव इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। बाय तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस आप कर सकते हैं अचीव बाय यूजिंग इंटरफेस इन जावा, और एब्स्ट्रैक्शन भी अचीव कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू अचीव लूप, लूज कपलिंग, एक और टर्म है लूज कपलिंग। तो लूज कपलिंग, कपलिंग क्या होता है कि बॉन्ड कह सकते हैं आप उस तरीके से, लूज कपलिंग को भी अचीव करने के लिए यूज किया जाता है। अब ऐसे कह सकते हो कि जो क्लासेस होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो लूज कपलिंग। इंटरफेस को डिक्लेयर कैसे करेंगे? इंटरफेस है तो इंटरफेस कीवर्ड लगाएंगे इसमें इंटरफेस बनाने के लिए। ठीक है, और इट प्रोवाइड्स टोटल एब्स्ट्रैक्शन, मीन्स ऑल द मेथड इन एन इंटरफेस आर डिक्लेयर्ड विद द एम्प्टी बॉडी एंड ऑल द फील्ड्स आर पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल बाय डिफॉल्ट। जितने भी फील्ड होंगे वो पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होंगे बाय डिफॉल्ट। अ क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल द मेंबर्स मेथड्स डिक्लेयर्ड इन द इंटरफेस। हम इंटरफेस को कैसे बनाने के लिए क्या करेंगे? इंटरफेस कीवर्ड लगाएंगे और उसका नाम। पैकेज को बना रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे, हम कॉलन लगा रहे थे। अब देखिए ये सेमी कॉलन लगा रहे थे पैकेज को, और उसके अंदर क्लास ही सब था। अब इंटरफेस क्या है? इंटरफेस एक ब्लू प्रिंट होता है क्लास का, तो क्लास के जैसे ही बनाएंगे इसको। ठीक है, मतलब इंटरफेस और इंटरफेस का नाम, और डायरेक्ट बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, और अंदर इसमें डिक्लेयर कर देंगे मेथड, ठीक है, या फील्ड जो भी है ये सारा डिक्लेयर हो जाएगा। अब इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हमारा एक क्लास है दूसरे क्लास में हमें प्रॉपर्टीज चाहिए तो क्या करेंगे, कौन सा कीवर्ड लगाएंगे? एक्सटेंड्स मतलब इनहेरिटेंस हो रहा है, एक्सटेंड कीवर्ड लगाएंगे। अगर एक इंटरफेस है, इंटरफेस है उसको हमें क्लास में इनहेरिट करना है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? इम्प्लीमेंट्स। एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस के लिए एक्सटेंड्स, मतलब जहां सेम है वहां पे एक्सटेंड्स, क्लास से क्लास या इंटरफेस से इंटरफेस एक्सटेंड्स, या इंटरफेस से क्लास हो जाएगा इम्प्लीमेंट्स। एग्जाम्पल इंटरफेस का, एक इंटरफेस बनाया प्रिंटेबल, इसके अंदर एक मेथड दे दिया प्रिंट। अब एक क्लास बनाया A6, अब इस इंटरफेस को यहाँ यूज करना है तो क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, बाकी चीजें
वही एक और क्लास बनाया प्रिंट, और यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाया। जब तक मेन नहीं बनाएंगे तब तक हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो एक ऑब्जेक्ट बना दिया A6 का, बाकी सेम है, बस यहाँ कीवर्ड चेंज हो गया।